प्रधानमंत्री के बारे में मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि उनकी भाषा जो है वो प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, वो एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है। अब एक सड़क छाप व्यक्ति अगर ऐसी बातें बोलता है तब तो समझ में आता है, देश का प्रधानमंत्री अगर ये भाषा बोल रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपनी भाषा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, कभी जर्सी गाय बोलता है, कभी कांग्रेस की विधवा बोलता है, कभी शरद पवार को भटकती आत्मा बोलता है, कभी उद्धव ठाकरे को नकली संतान बोलता है, कभी अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी, खालिस्तानी और बदनसीब बोलता है, तो प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ कि वो अपना आपा खो चुके हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको अब कोई गंभीरता से ले नहीं रहा, ये उनकी हार की हताशा की शब्दावली है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये एक प्रधानमंत्री की शब्दावली नहीं है, ये एक सड़क छाप व्यक्ति की शब्दावली है। आखिरी सवाल, अब दिल्ली और जो जिस विषय को लेकर उसको मैं फिर दोहरा के बोल दे रहा हूँ, देखिए RSS और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही खतरनाक पार्टी है। इनके मन में आज से नहीं 1949 से बसा हुआ है भारत का संविधान बदलना है, भारत का संविधान खत्म करना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को समाप्त करना है। 1949 से विरोध कर रही है RSS और BJP, तब जनसंघ थी और बाद में BJP। इन्होंने आरक्षण जब लागू हुआ इस देश में 1989 के अंदर, उस समय पूरे देश में नंगा नाच किया, खूब विरोध किया, जितना कर सकते थे किया BJP वालों ने। 89 में जब मंडल कमीशन लागू, उसके बाद 2015 में मोहन भागवत ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। RSS के दूसरे बड़े नेता हैं मनमोहन वैद्य, उन्होंने कहा आरक्षण से अलगाववाद फैलता है। इनका अभी मौजूदा जो इनके प्रचार का काम देखता है अमित मालवीय, इनका प्रमुख प्रवक्ता है, उसने 8-8 बार बयान दिया है अपने ट्वीट के जरिए, और वो सारे बयान मैंने डाले हैं। इनका एक सांसद है तेजस्वी सूर्या जो कहता है आरक्षण एक गंदा दलदल है, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में इन्होंने आरक्षण खत्म किया है 10 सालों के अंदर, उठा के आंकड़े देख लीजिए। तो ये देश से आरक्षण को ख़त्म करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करेंगे। प्रधानमंत्री जी उसी बौखलाहट में, क्योंकि उनकी सच्चाई हम लोग देश के सामने खोल रहे हैं, तो कुछ कुछ बोले जा रहे हैं मुजरा, और हो सकता है वो कुछ दिन बाद गाली गलौज भी साफ तौर पे गंदी गालियां जो चौराहे पे दी जाती हैं वो भी देना शुरू कर दें अगले चरण के चुनाव के पहले, तो प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आरक्षण ख़त्म करेंगे, संविधान ख़त्म करेंगे, ये तय है। 400 सीट क्यों चाहिए वो तो बता दिया लल्लू सिंह ने ना, मैं भाई हमारा बयान नहीं है, BJP के सांसद का बयान है लल्लू सिंह का, 400 सीट चाहिए संविधान बदलना है। अरुण गोविल कहता 400 सीट चाहिए संविधान बदलना है, ज्योति मिर्धा कहती 400 सीट चाहिए संविधान बदलना है, दिया कुमारी कहती 400 सीट चाहिए संविधान बदलना है, अनंत हेगड़े कहते हैं 400 सीट चाहिए संविधान बदलना है। तो ये तो इनके नेताओं के बयान है 400 सीट और क्यों चाहिए और संविधान बदलना है इनको।